everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today you can see we are celebrating Sama's 16th anniversary. And yes, we are also looking forward to have election training session as well. We have Sama's family here from overall Pakistan. And we're just trying our best to communicate with each other and how we have to actually work for the coming elections. Yes, you heard it right. So aaj kya ho raha hai? Ab main aapko thoda detail mein batati chalu. पूरे पाकिस्तान से समा के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं एक ही छत के नीचे. सब इकट्ठे हैं, यूनिटी है, यूनाइटेड है और सबके सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आने वाले जो कुछ कह दे डेढ़ और सवा महीना जो है बहुत क्रूशियल है इलेक्शंस को अगर देखा जाए तो. और मैं आपको मिलवाती चलूँ ब्यूरो चीफ ऑफ डिफरेंट सिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान. और चलिए आइए मिलते हैं इनसे. टुडे वी हैव मिस्टर नईम हनीफ हु इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ लाहौर समा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं ही तो ठीक हूँ, आपको पता. ये तो मैं जानती हूँ, आपसे मुलाकात होती रहती है. आप मुझे बताइए, आज आप 16th एनिवर्सरी समा की सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये सवाल तो जो है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है. जाहिर है कि समा 16 साल का हो गया है और ये बड़ी एक खुशी की बात है और बहुत कामयाबियों का सफ़र है. मेरी ढेरों दुआएं हैं और इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि समा फैमिली और हम सब मिलके कामयाबियों का ये सफ़र जारी रखेंगे. मैं चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ समा की 16वीं सालगिरह के मौके पर, और तमाम मैनेजमेंट को, अकरम चौधरी साहब हैं, जुनेद अमीन साहब हैं और डीएन हैं आफिस तारिक साहब और जितने हमारे ब्यूरोज हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक. मेरा नाम आमिर इकबाल है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ मुल्तान से. समा के साथ 8 साल से एज ए ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ. तो समा हमारा माशाल्लाह से अब 16 साल का हो गया है. ये इस दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं और सैकड़ों लोग जो हैं इस दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेमत से कम नहीं है. आज 16वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी और इसके साथ इलेक्शन की, जिस तरह बताया हमारे दोस्तों ने कि इलेक्शन के हवाले से भी हमारी जो प्लानिंग है, सरगर्मी है, उसके हवाले से भी यहाँ पर हम सारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से, पूरे समा का एक गुलदस्ता यहाँ पर इकट्ठा है. तो बड़ी खुशी है पूरे समा फैमिली को देख के, और समा फैमिली का मैं हिस्सा हूँ कई सालों से. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है और समा के लिए ढेर सारी दिल से दुआएं हैं. आज हमारे साथ पाकिस्तान के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनके ब्यूरो चीफ मौजूद हैं. तो मेरे साथ ऑब्वियसली ब्यूरो चीफ फैसलाबाद के भी मौजूद हैं. समा ब्यूरो चीफ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक. मुझे बताइए, इलेक्शन ट्रेनिंग सेशन जो है वो आज आप 16वीं सालगिरह के साथ साथ उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं, तो कैसा जा रहा है? ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो हमने जो प्रीवियस जितने भी इलेक्शन हैं, हमारे पास महदूद वसाइल भी जब थे तो हमने बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन को जो कॉन्टेस्ट किया. और अब भी इंशाल्लाह जिस तरह के डीएन साहब ने, हमारे तारिक साहब डीएन साहब, उनका जो विज़न है और ख़ास तौर पर जो हमें ट्रेनिंग्स और दीगर सेशन करवाए गए हैं, जूम्स बनाए गए हैं कि पूरे पाकिस्तान को तकरीबन 7 जून में जो है कन्वर्ट किया गया है, ताकि हर जगह से हमने अपनी कवरेज कैसे लेनी है, अपने लोगों को कैसे मोबिलाइज़ करना है, वो तमाम चीज़ें हम एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं. और आज तमाम लोग भी इसी सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं तो मज़ीद भी इनको शाइन किया जाएगा. थैंक यू. लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आपको क्या लगता है आगे आने वाली हुकूमत किसकी होगी? हुकूमत हमारी होगी. और हम से मुराद? हम सब लोग. चले जी, ठीक है. इट्स अ नाइस रिप्लाई टू मी रिगार्डिंग द आने वाली हुकूमत. लेट्स सी आगे क्या होता है. ऑब्वियसली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान बेटरमेंट. सो गाइज, टुडे वी हैव मिस्टर आसिम हु इज डिजिटल हेड ऑफ समा. लेट्स आस्क हिम कि हाउ इज ही सेलिब्रेटिंग समा 16th एनिवर्सरी. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. थैंक यू सो मच. थैंक यू बुशरा. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. वी अल्हम्दुलिल्लाह आर पार्ट ऑफ समा एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी हियर. Sama right now digitally is the number one channel on YouTube, on the digital media platforms, and thanks to you, thanks to your show, we are growing day by day. Today we have more than like 200 representatives hamare tibban pure Pakistan se jo hamare representatives aaye hue hain, aur hum sab milke elections ke upar jo hai ek strategy banayenge, aur inshallah we will make sure ke Pakistan ke andar Sama sabse badi election ki coverage kare. इलेक्शन की तैयारी जो है वो तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले इतनी हो चुकी है कि अब हम साया बुलक का इलेक्शन भी हम कर सकते हैं, हमें कोई इतना अब उसमें मसला नहीं है. और मैंने पहले भी बात की थी कि समा से ये लग रहा है कि मुल्क में इलेक्शन हो रहा है. तो और चूँकि आज ओएसआर का शो है,
मैं आपको वेलकम करता हूँ। और जब आकिब साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ मिस होती है और हमें सवाल 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 होता है तो फिर हम तहम्मुल का मुजाहरा करते, तहम्मुल पे आपके चेहरे पे हैरानगी थी कि वो उस वक्त तहम्मुल नहीं होता। आप सबको वेलकम, डीएन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ जो है वो लीड कर रहा है और न्यूज़ की वजह से हमारी रेटिंग बेहतर हुई है और हम इंशाल्लाह इलेक्शन में भी न्यूज़ जो है वो लीड करेगा पूरे मुल्क में इंशाल्लाह। दो रोज कबल एक खबर थी कि जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पे फायरिंग हो गई और वो जियो ने ARY ने चलाई। हमारा इस्लामाबाद का रिपोर्टर यासिर हकीम था, वो कह रहा था कि जी जज की गाड़ी पे कोई फायरिंग नहीं हुई, एक फैमिली का झगड़ा था और उसने बंदे ने हवाई फायरिंग की है। हमने रिपोर्टर की खबर के साथ खड़े हुए क्योंकि हमारे लिए न जियो की स्क्रीन मोतबिर है, ना ARY की स्क्रीन मोतबिर है, ना किसी और टेलीविजन चैनल की स्क्रीन मोतबिर है। हमारे लिए आप मोतबिर हैं, हमारे लिए आप ऑथेंटिक हैं। आपकी जो चीज़ होगी उसके साथ हम खड़े होंगे और हमें यकीन है कि आप ना हमें मायूस करेंगे और ना ही हमें शर्मिंदा करेंगे। ना आपने हमें मायूस किया है ना शर्मिंदा किया है, आप हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि जो अगला साल है, इलेक्शन का साल है, समा का एक एक मेंबर, एक एक कारकुन हमारे लिए फ़ख्र का बायस बनेगा। आज समा जिस तरह खड़ा है, ये अलीम खान साहब का सिर्फ विजन ही नहीं है, उनकी जो एफर्ट और जो उन्होंने वर्करों के लिए काम किया है उसके नतीजे में है। और ये जो चैनल में मदाखलत नहीं होती ना, इसका तमाम क्रेडिट भी अब्दुल अलीम खान को जाता है। अगर कोई एक शख्स ये बता दे कि गुज़श्ता दो साल में अब्दुल अलीम खान ने किसी एक को ये कहा हो कि भाईजान ये खबर ज़रा टिल्ड करके चला दे या ये खबर ना चलाएं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस हॉल में और पाकिस्तान में से कोई मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना उन्होंने कभी किसी ब्यूरो चीफ को, ना कभी डायरेक्टर न्यूज़ को, ना कभी अपने किसी एंकर को कभी ये नहीं कहा कि आपको क्या करना है। हाँ, एक काम वो ज़रूर करते हैं कि हर ईद पे आप लोगों को याद रखते हैं। ईद पे 100% सैलरी का बोनस जाता है, हर साल के एंड पे वो ज़रूर याद रखते हैं कि महंगाई 10% बढ़ी है तो मैं 20% इनकी सैलरियां बढ़ा दूँ। ये जो नंबर वन है इसके पीछे अगर दो बड़े किरदार हैं तो वो यहाँ पर हैं, चौधरी अकरम साहब और डीएन साहब। इन सब के लिए मैं आपको सिर्फ दो प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाहता हूँ इस सक्सेस स्टोरी की। मैंने ज्वाइन दिस चैनल 4 months ago, हम कहीं पे रेट नहीं करते थे, डेली की यूट्यूब के ऊपर रेटिंग्स आती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो हम कहीं पर रेट नहीं करते थे। जब मैं अपनी टीम से बात की तो मैंने कहा एनालिटिक्स की क्या सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं था कि एनालिटिक्स को देखते कैसे हैं, इनको गेज कैसे करते हैं। दे लर्न दैट, दे डिप्लॉयड दैट और विद इन 2 months हम top 3 के अंदर आ गए। अब पिछले 2 माह से हम रेगुलर number 1 हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम वो लोग जो कहते थे कि यार किसी इवेंट की वजह से आ गए हैं, अब हम उनको कहते हैं कि वी क्रिएट द इवेंट्स, वी डोमिनेट द डिजिटल। मैं पूरी गारंटी से ये चीज़ कहता हूँ कि वी हैव गॉट द बेस्ट टीम, क्योंकि मैंने इसको यूटिलाइज करके देखा है। अभी आपके जितने भी शोज हैं दे आर ट्रेंडिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान में कहीं देख लें, आप कुछ खोल के देख लें, आपको समा का कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। तो सर में एक खूबी है कि ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बींग, बड़ा अच्छे इंसान है, करते हैं सोच के करते हैं, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आता है तो वही आता है जो आपकी ख्वाहिश होती है और जो आप चाहते होते हैं, और इट्स वेरी पॉजिटिव अप्रोच। आई थिंक वी आर द बेस्ट बेस्ट, मतलब नाम शाम काजाते नाम जल्दी, खा वो बलोचिस्तान में, खा खैबर पख्तूनख्वा में, खा सिंध में है, खा पंजाब में है, अभी तक हम सबको सबसे आगे जा रहे हैं। आई होप कि हम इसको मेंटेन करेंगे और हम सबसे पहले पूरी की पूरी लिस्ट देंगे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है। आई एम होपफुल। टीम समा, टीम समा, टीम समा।
थैंक यू वंस अगेन. नाउ ऑब्वियसली आपको पता है इलेक्शन ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, ये तो हम सब जानते हैं. और आप ये जानते होंगे कि हम लोग उस पर कितनी डिस्कशंस करते हैं, कितना एनालिसिस करते हैं और कितनी कोशिश करते हैं कि यार कुछ पता चल जाए कि अब क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, सियासी जमातों में क्या चल रहा है, क्या हलचल मच रही है. तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरी की पूरी समा फैमिली आज 16th एनिवर्सरी पे मौजूद है. अब जैसे कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसके लिए अब हम इलेक्शन ट्रेनिंग सेशन और उसकी ओरिएंटेशंस के बारे में भी बात करेंगे, उसको कैसे आगे लेके चलना है, उसकी मुहिम कैसे चलानी है, उसको कैसे केटर करना है डिफरेंट पंजाब के सर्टेन एरियाज़ में, पाकिस्तान के पूरे प्रोविंसेस में उसको कैसे लेके चलना है, कैटेगराइजेशन कैसे करनी, बिकॉज यू नो समा इज़ ऑलवेज नंबर वन एंड समा ऑलवेज इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग यू द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द बेस्ट.